अच्छा सुनो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो है कॉलिंग क्ले, चाइना क्ले, वाइट मैजिकल क्ले के ऊपर। हाँ, तो आज हम कुछ एक्सपोज करने वाले हैं, मतलब कि कुछ सफ़ेद पाउडर्स के, कुछ काले रंग के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखने से आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने सर्च लिस्ट पे लिखोगे काउलिंग क्ले तो भर भर के लिस्ट आएगी। ₹499 से लेकर के ₹99 तक के पाउडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, चाइना क्ले, काउलिंग क्ले, वाइट मैजिकल क्ले के नाम से। बिल्कुल सही। और आप कोई भी क्ले खरीदो, 99 का खरीदो या 500 का खरीदो, कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। उतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना आप लगाओगे 100% का भी और 500% का भी। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि महंगा पाउडर और सस्ता पाउडर कोई डिफरेंस कर सकता है। तो अब चलिए अब मेन इंग्रेडिएंट बातों पे चलते हैं। जैसे कि आप सभी को जानते हैं, काउलिंग क्ले एक ऐसा फेमिलियर क्ले बन गया आज मार्केट पे कि काउलिंग क्ले के ऊपर तो वीडियो इतनी बन गई है कि आपको वीडियो देखते देखते फुर्सत नहीं मिलेगा कि आप कौन सा वीडियो पे विश्वास करो और कौन सा वीडियो पे विश्वास ना करो। वैसे मेरा फर्स्ट परचेस काउलिंग क्ले का रहा है आज से 2 साल पहले का, और मैंने भी काउलिंग क्ले जम के यूज़ किया है। मैंने पहली बार काउलिंग क्ले खरीदा था अमेज़ॉन कंपनी का, जो कि मैंने खुद ₹200 का खरीदा था। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी 2 साल पहले, और वो वीडियो पे आज 50,000 व्यूज़ भी है। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ फिर से एक बार और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने सर्च किया है काउलिंग क्ले के ऊपर, और काउलिंग क्ले के ऊपर भर भर के वीडियोस हैं, लेकिन कहीं भी आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बातें नहीं की गई हैं। तो बिल्कुल सही, आप पड़े रह जाते हो इसके साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब नेगेटिव पार्ट के पास। मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करती हूँ बीइंग अ ब्यूटी के बारे में टिप्स देते देते कि आप हर एक चीज़ का ना एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वो हमेशा छुप जाता है लोगों से, क्योंकि कंपनी वो दिखाना ही नहीं चाहती अपनी बिक्री के चक्कर में। तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो। साथ में यूट्यूबर्स भी हमेशा प्रॉफिट बताते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका इंप्रेशन कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट के साथ बुरा हो। तो चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाती हूँ। चाइना पर पाने वाला ये चाइनीज़ क्ले जो है वो इस तरह से पाया जाता है। इसलिए आप 100% का लगाओ या 500% का लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि इसमें सिलिका ऑक्साइड होता है, तो सिलिका ऑक्साइड होता है इसीलिए इसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूँ, चाइना में ये भर भर के मिलती है इसलिए, और इसका प्रोडक्शन बहुत ही ईजी होता है। ऐसा कोई ये बहुत कोर से माइन करके नहीं लाया जाता है दोस्तों कि आपको इसका 10 गुना ज़्यादा दाम देना पड़े। तो आप अगर समझदार हो तो ये समझ जाओ कि ये इशारा है कि कॉलिंग के लिए आप सस्ता लो या महंगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि इसके थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। इंट्रो में मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊँगी कि ये काउलिंग क्ले आपके हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक ऑयली स्किन टाइप हो तब भी ये आपके लिए अच्छा है, ड्राई भी हो तब भी अच्छा है, और कॉम्बिनेशन भी हो तब भी अच्छा है। तो आप बोलोगे, दीदी अगर ये सबके लिए अच्छा है तो वीडियो क्यों बना रहे हो साइड इफेक्ट के ऊपर? बिल्कुल, आप प्रोज और कौन सब कुछ होता है, सब कुछ होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसलिए मैं नेगेटिव वीडियोज़ बना रही हूँ ताकि आप लोगों को नेगेटिविटी पता चले इस वीडियो की। चलिए ठीक है, इसको अगर आप हर एक स्किन टाइप हो, हर एक स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना दोस्तों, वो ये है कि यूज़ तो हर कोई कर सकता है, बट कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है ना, लालच हो जाते हैं हमारे दिल में, जिस चीज़ को हमें सप्ते में एक बार यूज़ करना है उसे 3 बार यूज़ करते हैं, और फिर होता है प्रॉब्लम। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जब आप इसको लगाओगे ना, तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही वाइट माइल्ड पाउडर है। तो आप इसे, अगर आप ड्राई स्किन टोन हो तो आप इसे दूध के साथ लगा सकते हो, आप इसे कोई मतलब थिक बेस के साथ लगा सकते हो, लेकिन आप अगर कोई ऑयली स्किन टोन हो तो आप इसे पतंजलि के जेल के साथ या तो फिर एलोवेरा जेल के साथ लगा सकते हो, और साथ ही साथ आप गुलाब जल के साथ भी इसे कॉम्बाइन करके लगा सकते हो। और अगर अब मैं साइड इफ़ेक्ट के पार्ट की तरफ आऊँ, तो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे देखा होगा काउलिंग क्ले खाते हुए। अब मैं आप लोग से पूछती हूँ, क्या आपको, आपने ये क्ले को खरीदा है खाने के लिए कि जो आप इसे खाओगे? जब तक आप कोई चीज़ को उस प्रपोर्शन में ना खरीदो कि आपको इसे मेडिकेटेड यूज़ के लिए खरीदा है, तो अगर आप इसे खाने के लिए खरीदो तब खाओ, लगाने के लिए खरीदो तो लगाओ। कभी भी कोई वीडियो देख के ऐसा ना करो दोस्तों, बच्चों से काउलिंग क्ले को दूर रखो, क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं ना जो प्रोडक्ट्स के
इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं होते हैं और फिर वो आपको दे दिए जाते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है आप लोगों के हेल्थ के ऊपर। और बच्चों से इस पाउडर को दूर रखो। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना इस प्रोडक्ट पे जो आपको मिलती है वो है काओलिन क्ले, जो चाइना से आता है। उसका पीएच वैल्यू तो न्यूट्रल होता है, तो वो आपके स्किन के लिए बहुत ही सही होता है, जो कि रिच होता है सिलिका ऑक्साइड के लिए। लेकिन क्या आपको पता है यही सिलिका ऑक्साइड आपके लिए उतना ही हार्मफुल होता है, क्योंकि ये लंग्स कैंसर भी काउज करता है। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देखते रहो, आपको मैंने स्क्रीन पे सारे डिटेल्स दे दिया है। सिलिका ऑक्साइड को जब आप ज़्यादा मात्रा पे लगाते हो और ज़्यादा बार आप इसे करते हो, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि इसका जो पाउडरी फॉर्म होता है वो एक माइल्ड टेक्सचर फॉर्म होता है। माइल्ड टेक्सचर फॉर्म जब आप इनहेल करते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनहेल करते हो ना, तब फिर इसके जो माइन्यूट पार्टिकल्स है वो आपके नोज़ के थ्रू अंदर घुसते हैं, और वो बार बार अंदर घुसने के कारण आपको इसका डिसएडवांटेज भी होता है, जो आपको पता तो एक बार में नहीं चलता है, बट आप रेगुलर यूज़ के साथ आप देख सकते हो। साथ ही साथ जब आप इस पैक को ना एकदम ड्राई होने के लिए लगा देते हो कि इंटेंस ड्राई हो जाए, तब ये हानि करता है, क्योंकि ये बहुत ही फाइन पार्टिकल है। साथ ही साथ ये आपके छिद्र के एकदम अंदर तक घुस जाता है, पोर्स के अंदर तक। तो उससे क्या होता ना कि इसका ये प्रॉफिट आपके, अगर आपने 5 मिनट के लिए लगाया है तो 5 मिनट के लिए लगाया है तो 5 मिनट के अंदर में आपको वॉश कर देना चाहिए, ना ही कि इसे 15 मिनट तक लॉन्ग लास्टिंग आपको लगाना चाहिए। क्योंकि जब आप इसे 15 मिनट तक लगाते हो ना, तो आप अपने साथ साथ अपने स्किन के लिए भी बहुत डिज़ास्टर क्रिएट करते हो। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि काओलिन क्ले एक बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ है और बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप इसे सही तरीके से यूज़ करो, तो तरीका सही अपनाने से आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए, पर सावधान रहे, सतर्क रहे, और हमेशा प्रोडक्ट्स को ये उनकी वैल्यू और क्वान्टिटी देख के खरीदें। 500 रुपये में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप उसे ना लें, क्योंकि ये प्रोडक्ट की उतनी औकात ही नहीं है। दूसरी बात, हमेशा ही कोई भी प्रोडक्ट को लगाने के पीछे लोभ ना करें, उसे उतना ही लगाए जितना देर उसे लगाना चाहिए। 5 मिनट का प्रोडक्ट 5 मिनट तक ही लगाएं। अच्छा सुनो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो दोस्तों।